सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आप इस तरीके का स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। और इस तरीके का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है काइनमास्टर। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो फ्रेंड्स, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डायरेक्टली इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो चुका है और मैं अपने स्टेटस को बनाने के लिए जो भी मटेरियल का यूज करता हूँ वो सारा मटेरियल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता रहता है। अगर आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कुछ भी डाउनलोड करने में दिक्कत होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इन सारे मटेरियल को इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपका कोई भी सवाल क्वेश्चन होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना होगा और आपको 16.9 वाला रेशियो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है। आपको मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपने जिस बैकग्राउंड को डाउनलोड किया था उस बैकग्राउंड को इनपुट करना होगा। तो हम उसे इनपुट कर लेते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड आ चुका है स्क्रीन पर। इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके लेंथ को आपको खींच के कुछ इस तरीके से आपको बढ़ा लेना है जितना लंबा वीडियो बनाना चाहते हैं। फिर आपको स्टार्टिंग में आना होगा, लेयर पर क्लिक करना, मीडिया पर क्लिक करना होगा, एक आपको PNG इनपुट कर लेना है। तो आप इनपुट कर लीजिएगा, ये हमारा PNG आ चुका है। आपको करना क्या होगा, आप इस तरह हल्का से जूम कीजिएगा और इस जगह पर आपको एडजस्ट करना है। इसके भी लेंथ को आपको वीडियो के एंड तक रख लेना है। फिर आपको स्टार्टिंग में आना होगा। इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना होगा, 3 डॉट को ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसका डुप्लीकेट लेयर आपको निकाल लेना है। तो डुप्लीकेट लेयर आपका निकल चुका, कुछ इस तरीके से आप रोटेट कर लीजिएगा, आपको रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद आपको करना क्या, आपको इस जगह पर इसे एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना होगा, आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर लेना है। फिर आपको टिक पर क्लिक करना होगा, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अल्फा ओपोसिटी, उस ऑप्शन में आपको क्लिक करके इसको ओपोसिटी को आपको हल्के से लॉक कर लेना है। फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद आपको करना क्या, फिर से आपको लेयर पर क्लिक करना होगा, टेक्स्ट में क्लिक करना होगा, आपको यहाँ पर लिख लेना हैप्पी न्यू ईयर। तो इस तरीके से आपको लिख लेना। तो आप पहले इस तरीके से अपने टेक्स्ट को आप लिख लीजिए। तो गाइस, मैंने अपने टेक्स्ट को लिख लिया। इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको करना है कि आप इसे हल्का जूम कीजिए कुछ इस तरीके से। जूम करने के बाद आपको इस जगह पर इसे इनपुट करना होगा। इसके बाद आपको करना है कि इसके आपको फ्रंट को चेंज करना होगा। तो आपको फ्रंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, इसका फ्रंट को आपको जो अच्छा लगता है उसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऐड कर लीजिएगा, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। तो हमारा फ्रंट लग चुका है, आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको करना क्या होगा, इसके भी लेंथ को आपको वीडियो के एंड तक रख लेना है। फिर आपको स्टार्टिंग में आना होगा। इसके बाद आपको करना क्या होगा, फिर से आपको लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा, एक आपको वीडियो इफेक्ट इनपुट कर लेना होगा। तो आप डाउनलोड कर लेना है, तो हम उसे इनपुट कर लेते हैं। तो ये गाइस, हमारा वीडियो इफेक्ट आ चुका है स्क्रीन पर। आपको करना क्या होगा, आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करना, फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, टिक पर क्लिक करना होगा, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का। तो आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाके आपको इसे कर देना स्क्रीन। तो स्क्रीन हो चुका है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, फिर से आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना होगा, 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना, आपको इसे कर देना सेंड टू बैक। तो सेंड टू बैक हो चुका है, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद आपको करना क्या होगा, फिर से आपको लेयर पर क्लिक करना, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आप अपना जिस इमेज का स्टेटस बनाना चाहते हैं उस इमेज को इनपुट करना होगा। तो हम अपने इमेज को इनपुट कर लेते हैं। ये हमारा इमेज आ चुका है और आप जिस इमेज का यूज करेंगे उस इमेज का PNG होना चाहिए। अगर आपको अपना इमेज का PNG बनाना नहीं आता है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना होगा, आपको अपने इमेज को कुछ इस तरह से जूम कर लीजिएगा और आपको इस जगह पर इसे एडजस्ट करना है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, आप पहले एडजस्ट कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से। गाइस, मैं हल्का छोटा कर लेता हूं और आपको इस जगह पर एडजस्ट कर लेना होगा। इसके बाद आपको करना क्या होगा, आप इसके लेंथ को वीडियो के एंड तक रख लेना है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको फिर से आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना होगा, 3 डॉट का ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको इसका डुप्लीकेट लेयर आपको निकाल लेना है। तो हमारा डुप्लीकेट लेयर निकल चुका, अभी आप देख पा रहे, आप इसे भी हल्का इस तरह रोटेट कर लीजिएगा। रोटेट करने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको इस जगह पर इसे इनपुट कर लेना कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना, आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर लेना, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना, आपको अल्फा ऑपोजिटिव ऑप्शन पर जाके आपको इसको अल्फा ऑपोजिटिव को आपको लो कर लेना, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना और आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो इतना तक कर लेना, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना होगा। तो हमारा इतना बन के तैयार हो चुका है। फिर आपको करना क्या होगा, आपको लेयर पर क्लिक करना, मीडिया पर क्लिक करना होगा, एक आपको वीडियो इफेक्ट इनपुट कर लेना। तो आप
डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारा वीडियो इफेक्ट आ चुका है, आपको करना है कैसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा। स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करना, फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना, टिक पर क्लिक करना होगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाके आपको इसे कर देना स्क्रीन। स्क्रीन हो चुका है, तो गाइस मैं अपने टेक्स्ट को हल्का ऊपर कर लेता हूँ, तो इसे छोटा कर लेता हूँ। इस जगह पर आपको एडजस्ट करना है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस अब आपको क्या करना होगा, फिर से आपको लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा, एक आपको फ्रेम पीएनजी इनपुट कर लेना है। तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, हम इसे इनपुट कर लेते हैं, तो हम उसे ढूंढ लेते हैं। तो ये हमारा फ्रेम पीएनजी आ चुका है स्क्रीन पर, आप इस तरीके से रोटेट कर लीजिएगा। रोटेट करने में आपको करना क्या होगा, अब इसे जूम करके अपने फुल स्क्रीन पर एडजस्ट कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद आपको करना क्या होगा, फिर से आपको अपने पीएनजी के ऊपर क्लिक करना होगा, इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना और आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर लेना है। तो आपका रोटेट हो चुका है, घूम चुका आपका फ्रेम पीएनजी, फिर आपको इसके लेंथ को वीडियो के एंड तक रख लेना है और आपको टिक पर क्लिक कर लेना। तो फाइनली हमारा स्टेटस बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको इसमें अपना सॉन्ग को इनपुट करना होगा। तो आपको ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, आपको अपना सॉन्ग को ऐड कर लेना है। तो हम सॉन्ग को ऐड कर लेते हैं, ये हमारा सॉन्ग आ चुका है। आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना होगा, आपका सॉन्ग ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा सॉन्ग लग चुका है और गाइस हमारा स्टेटस बनकर तैयार हो चुका है। तो अब आपको क्या करना होगा, अगर आपका कोई फालतू पार्ट होगा तो आपको कट कर लेना होगा। तो आपको लेयर के ऊपर क्लिक करना होगा, कैंची पर क्लिक करना, आपको कर देना ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट। तो आपका जो पीछे का फालतू पार्ट वो कट के हट जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आपको कट कर लेना होगा और आपका स्टेटस बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमारा स्टेटस बनकर तैयार हो चुका है। तो अभी मैं इसे एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो स्टेटस है वो किस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। तो गाइस आपने देखा कि हमारा जो स्टेटस है वो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो आप भी अपना खुद का इस तरीके का स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। तो आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब आपको क्या करना होगा, अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपको शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और आप जिस क्वालिटी में अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतने, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।